दोस्तों आज का वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो कि डेली बेसिस पे यूज होते हैं। अब देखो, एक बात आपको भी पता है कि एक्सेल पे जो डेटा स्कोर है वो काफी ज्यादा होता है, काफी लार्ज नंबर के आपके डेटा होते हैं। अब उस डेटा को आप कितनी जल्दी यूज कर सकते हो, कितनी जल्दी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो सब डिपेंड करता है एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जो कि डेली बेसिस पे डेटा में यूज होते हैं, और एज अ एक्सेल ऑपरेटर आपको इन शॉर्टकट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप किसी ऑप्शन को सबसे ज्यादा यूज करते हो तो उसके लिए आप खुद से ही शॉर्टकट बना सकते हो बड़ी आसानी से। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से जो कि है डेटा सेल सिलेक्शन से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूँ उस डेटा की, नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप एक डेटा देख पा रहे हो जहाँ पे सेल्स मैन डिपार्टमेंट स्ट्रेट सेल्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर इस डेटा की मैं बात करूँ सेलेक्ट करने के मामले में या फिर इस डेटा में काम करने के मामले में, तो वो क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी ये फाइल खोला, मेरा सिलेक्शन है ऊपर में, अब मुझे एक ही बार में नीचे जाना है, तो या तो मैं करूंगा या स्क्रॉल से धीरे 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 ऐसे नीचे जाऊंगा पहली चीज, या फिर यहाँ पे डाउन एरो की पे प्रेस करके तब मैं धीरे धीरे नीचे जाऊंगा। तो ये काफी ज्यादा ऑड या फिर एक अनप्रोफेशनल तरीका है। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली ऊपर में हमने सेलेक्ट किया और आपको कंट्रोल की को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करना है। अब इससे होगा क्या कि जो बिल्कुल एंड में जहां तक डेटा आपका हो रखा है कंप्लीट, वहां पे आप पहुंच जाओगे और सिंपली आप नई रेंज से डेटा दोबारा पुट ऑन करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर मान लो कि मुझे सीधा ऊपर पहुंचना है एक ही बार में, मतलब इस डेटा के ऊपर में पहुंचना है, तो यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करके आपको सिर्फ अप एरो की प्रेस करना है, आप बिल्कुल टॉप में पहुंच जाओगे। इसी के साथ कंट्रोल होल्ड करके राइट एरो की प्रेस किया तो डेटा के रेंज में हम राइट में एंड तक पहुंच जाएंगे, और अगर हमने लेफ्ट किया कंट्रोल की को होल्ड करके लेफ्ट एरो की प्रेस किया तो डेटा के लेफ्ट टाइप से यानी जहां से वो डेटा स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम पहुंच जाएंगे रो बेसिस पर। अब ये जो शॉर्टकट अभी हमने देखा वो क्या है कि अगर हमें वहां पे एक्सेस करना है, हमें पहुंचना है, लेकिन मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस डेटा को सेलेक्ट करना है। अब जैसे पूरा डेटा है, ज्यादातर अगर मैं अभी कोई भी फॉर्मूला लगाऊं, मैं यहाँ पे इक्वल करता हूं और मैं कोई फॉर्मूला लगाता हूं, लाइक मैंने वी लुकअप का ही फॉर्मूला लगा दिया, ये मैंने सेलेक्ट किया कोमा किया और ये मुझसे कह रहा है पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करके पूरा धीरे धीरे नीचे जाओगे और तब आप पूरा टेबल सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे तो डेटा सिर्फ 27 लोग का है, हो सकता है कि डेटा आपके पास 500 लोगों का हो, तो फिर आप माउस से अगर इसे करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे आए ऊपर में, सबसे सिंपल टॉप पे आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की को होल्ड करना है एक उंगली से, शिफ्ट की को होल्ड करना है दूसरी उंगली से, दोनों को दबा कर रखना है। जैसे आप डाउन एरो की प्रेस करोगे तो डाउन में जहां तक आपका डेटा फैल रखा होगा, चाहे वो 500 लोगों का हो, 100 लोगों का हो या 1000 लोगों का हो, वहां तक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको राइट एरो की प्रेस करना है, देखो कंट्रोल और शिफ्ट को दबाकर ही रखना है, और फिर आपको राइट एरो की प्रेस कर देना है, तो आप देखोगे कंप्लीट जो आपकी टेबल है वो बड़ी आसानी से सेलेक्ट हो गई। मैं फॉर्मूला में भी एक बार शो करता हूं आपको, जैसे मैंने यहाँ लुकअप लिखा और लुकअप वैल्यू में मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे आते हैं, टेबल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया डाउन एरो की और फिर राइट एरो की, और आपका पूरा का पूरा डेटा बड़ी आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। सो आई होप कि कंट्रोल के साथ एरो की और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की का क्या यूज है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक तो वो रो और कॉलम से बिलोंग करते हैं। देखो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की का एग्जांपल देखा और राइट एरो की का एग्जांपल देखा, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको पहली कॉलम सेलेक्ट करनी है तो इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो देखो जब आप यहाँ पे आओगे और आप शिफ्ट की को होल्ड करके स्पेस बटन प्रेस करोगे, मतलब कि जो पूरी की पूरी रो है, रो वन, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप इसको डिलीट करना चाहो या फिर इंसर्ट करना चाहो, कलर करना चाहो, जो भी आप करना चाहते हो आप एक सिंगल क्लिक में यहां से कर सकते हो। इसी की जगह अगर मान लो कि आपको पूरी की पूरी कॉलम ए को सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल की को होल्ड करके स्पेस बटन प्रेस करना है, और आप देखोगे पूरी नीचे तक, मतलब जहां तक आपका ये पूरा का पूरा डेटा रेंज है वहां तक पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाती है, और फिर अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल और स्पेस की मदद से, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट अगर आप यूज करते हो तो सिर्फ आप इस डेटा तक ही सेलेक्ट कर पाओगे,
लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल और स्पेस बटन आपको प्रेस करना है, पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी और शिफ्ट और स्पेस बटन की मदद से आप पूरी की पूरी रो बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने इस पूरी रो को सेलेक्ट किया, कैसे किया, शिफ्ट और स्पेस दबाकर। अब अगर मुझे इस पूरी रो को एक ही बार में डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो कंट्रोल की को होल्ड करना है आपको एक उंगली से और माइनस बटन प्रेस करना है। जैसे आप माइनस बटन प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ, आप देखोगे कि ऊपर वाली जो रो है वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये वापस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे पूरी की पूरी कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया कि कंट्रोल को होल्ड करके स्पेस दबाएंगे, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कंट्रोल माइनस प्रेस करना है, पूरी की पूरी कॉलम यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मान लो कि अगर आपको यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करनी है, एक और कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे हम देखिए हमने सेल्समैन लिखा है और डिपार्टमेंट लिखा है। अब मान लो मुझे सेल्समैन की एज लिखनी है तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, तो शॉर्टकट में अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल की को होल्ड करके प्लस प्रेस करूंगा जिससे इंसर्ट सेक्शन आएगा। ये मुझसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, मैंने कहा इंटायर रो, पूरी की पूरी एक रो चाहिए, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इंटायर कॉलम और मैं करूंगा ओके, तो पूरी की पूरी कॉलम एक फ्रेश कॉलम मुझे यहाँ मिल जाती है। इसी तरह से अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, सेल इंसर्ट करना है, तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और इंसर्ट और डिलीट एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो इसका शॉर्टकट तो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि शीट से रिलेटेड है। अभी नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे काफी सारे शीट ले रखे हैं, जैसे एक्स लुकअप, फिल्टर, डी गेट, यूनिक, सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग शीट ले रखी है। अब हो क्या रहा है कि मुझे यहाँ पे माउस का यूज करना पड़ रहा है अगर मुझे एक शीट से दूसरी शीट में जानी है। लेकिन अगर एज अ शॉर्टकट हम बात करें तो इसका भी शॉर्टकट है, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट की ज्यादा यूज करते हो तो आपका मन करेगा कि मैं ये चीज भी शॉर्टकट में ही करूं। तो देखो आपको करना क्या है, सिंपल कंट्रोल की को होल्ड करके आपको पेज डाउन बटन प्रेस करना है। जैसे आप पेज डाउन प्रेस करते हो तो आप आगे की तरफ मतलब राइट की तरफ में आप अगली शीट पे स्विच होगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा पेज डाउन पे क्लिक करता हूँ तो हम डी गेट पे गए, फिर हमने किया तो हम यूनिक पे आए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर हमने किया यहाँ पे तो हम सीक्वेंस पे गए। अगर मैं कंट्रोल की को होल्ड करके मैं यहाँ पे पेज अप प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट की तरफ हम स्विच करेंगे, मतलब पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो कंट्रोल प्लस पेज अप से लेफ्ट की तरफ हम दूसरे शीट पे स्विच कर रहे हैं और कंट्रोल प्लस पेज डाउन की मदद से हम राइट में आगे वाली शीट्स पर स्विच कर पा रहे हैं। एंड आई होप कि ये वाला जो शॉर्टकट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही अगर आपको एक नई शीट इसमें इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पे फिल्टर है, डी गेट है, यूनिक है, सीक्वेंस है और यहाँ पे प्लस का सिंबल है जिसपे क्लिक करके आप नई शीट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में नई शीट लेनी है तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड करना है और F11 की प्रेस करनी है। जैसे आप ये करोगे आप यहाँ पे नई शीट ले सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट्स की जो कि सेल से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ तो वो है F2 की। F2 एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब अगर इस शॉर्टकट की मैं बात करूँ और बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिख रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा राजेश, ठीक है, और मैंने यहाँ पे H नहीं लिखा है। अब होगा क्या कि अगर मैं H लिखने की कोशिश करूंगा तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे पूरा का पूरा डिलीट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप F2 की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर अंदर आ जाएगा और अगर अब आप यहाँ पे H लिखोगे तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई भी फॉर्मूला आप टाइप कर रहे हो, जैसे इसमें मैंने एक फॉर्मूला डाला है और मुझे इस फॉर्मूला का एडिट मोड खोलना है क्योंकि मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं F2 की प्रेस करूंगा और उस फॉर्मूले का पूरा एडिट मोड यहाँ पे खुल जाएगा और उसमें मुझे कुछ भी एडिटिंग करनी है तो मैं बड़ी आसानी से यहाँ पे उसे एडिट कर सकता हूँ। इसके साथ ही बात कर लेते हैं एक और शॉर्टकट की जो कि है टैब। अब देखो टैब की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने इसमें कुछ लिखा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ES113 और अब अगर मुझे दूसरे वाले सेल में जाना है तो मैं माउस से क्लिक करके तो नहीं जाऊंगा और एरो कीज थोड़ी दूर पड़ जाती है, तो यहाँ पे आप टैब की प्रेस करोगे तो आप दूसरे वाले सेल में बड़ी आसानी से शिफ्ट हो सकते हो। एंड आई होप कि ये वाला जो शॉर्टकट है वो आपको पता होगा, बट फिर भी कुछ जो बिगनर्स है या फिर कुछ ऐसे यूजर्स है जिनको नहीं पता, तो आई होप कि अब उन्हें पता चल गया होगा। इसके साथ ही टैब की का एक और यूज है, जब भी आप कोई फॉर्मूला टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप, अब मैंने सिर्फ क्या लिखा है VL, लेकिन मुझे पूरा का पूरा फॉर्मूला नीचे सजेस्ट किया जा रहा है, तो अब जैसे मैं टैब की प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे चालू हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो टैब की का एक और यूज ये भी हम देखते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं एक और कॉमन एंड मोस्ट यूजेबल शॉर्टकट की जो कि है टोटल निकालने के लिए। देखो अभी नॉर्मली आप देख पा रहे हो यहाँ पे सैलरीज मैंने मेंशन की हुई है और मान लो आपसे ये कहा जा रहा है कि मुझे इन सब का टोटल एक अमाउंट बता दो, फिगर ऑफ अमाउंट क्या है जो कि हमें एज अ सैलरी देनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल ऑल्ट की को होल्ड करना है और इक्वल प्रेस करना है।
जैसे आप ये करोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी इसमें आ जाएगा और ऊपर की पूरी रेंज भी सेलेक्ट हो जाएगी और सिंपल आपको कंप्लीट टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी है वो यहाँ मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़े, आप सबके लिए गुड न्यूज है। आप लोग की काफी टाइम से डिमांड थी कि एक प्रॉपर एक्सेल कोर्स विद प्रॉपर पैटर्न लॉन्च किया जाए, तो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि प्रॉपर एक्सेल कोर्स विद प्रॉपर पैटर्न, जिसमें वो सभी टॉपिक्स है जो कि इंटरव्यूज के टाइम या फिर मैं प्रैक्टिकल्स की बात करूँ, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। और ये पूरा कोर्स अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे मैंने लॉन्च कर दिया है। आपको सिंपली करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पे आप क्लिक करके सीधा कोर्स पे पहुंच सकते हो और उसमें एड ऑन हो सकते हो। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है फॉर्मेट सेल से रिलेटेड। देखो अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के, जैसे यहाँ पे जितने भी सेक्शन आप देख पा रहे हो, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, तो इनमें जो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है नंबर का, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो सारे नंबर फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ इस नंबर्स की, ठीक है, और मुझे इस नंबर का कोई भी फॉर्मेट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ करेंसी का फॉर्मेट, अकाउंटिंग का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब होगा क्या है कि अगर आपको यही चीज शॉर्टकट में खोलनी है, जो मैं यहाँ पे जाके माउस से क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको सिंपली कंट्रोल की को होल्ड करके वन प्रेस करना है और फॉर्मेट सेल यहाँ पे खुल जाएगा। और फिर आपको कस्टम यूज करना है, स्पेशल यूज करना है, जो भी इसमें ऑप्शन यूज करना है आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स लिखी है। कई बार क्या होता है कि जब आप सिस्टम ऑन ऑफ करते हो, और कई बार होता है ऐसा जब अपडेट वगैरह हम करते हैं, तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है, फॉर्मेट हो जाएगा जनरल में, मतलब इस तरीके से शो करेगा। अब आपको करना है इसे एक ही चुटकी में सही, मतलब बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में बहुत सही तरीके से यहाँ पे आ जाए, डेट आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिंपली सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबा के रखना है और हैश बटन प्रेस कर देना है, मतलब कि 3 को प्रेस करना है। और जैसे आप ये करोगे आप देखोगे कि पहले से भी अच्छे फॉर्मेट में 1 मई 2023 इस तरीके के फॉर्मेट में ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो मैंने भी आपको शॉर्टकट बताया, कंट्रोल 1 प्रेस करो और प्रेस करने के बाद यहाँ डेट में जाओ और जाने के बाद जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, लाइक ये वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, तो आप ये सेलेक्ट करके इस तरीके से भी इसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस फॉर्मेट में आप इसे यहाँ सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट शॉर्टकट की। देखो एक शॉर्टकट बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि होता है फिल्टरेशन, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ इसी डेटा की जो ऑन स्क्रीन आपके सामने है, अगर मुझे इसी डेटा को फिल्टर करना हो, फिल्टर इन द सेंस जैसे यहाँ पे सेल्स का डेटा है और जो मेरे सीनियर हो मुझे ये कह रहे हैं कि डेटा मुझे प्रॉपर तरीके से चाहिए, मतलब जो सबसे ज्यादा सेल है वो ऊपर आए, फिर सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जैसे यहाँ 35,000, 30,000 यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 15,000, तो अप एंड डाउन रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की प्रेस करूंगा नीचे तक डेटा सेलेक्ट, राइट एरो की प्रेस किया साइड तक पूरा डेटा सेलेक्ट। इसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबाकर एल प्रेस करना है, जिससे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिंपली यहाँ करूंगा शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके साथ ही फिल्टरेशन के और भी फायदे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास 3-4 डिपार्टमेंट है, ग्रॉसरी, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और भी एक आध होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्या ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही डेटा आ रहा है। इसी को बोला जाता है फिल्टरेशन, और ऑफिस बेसिस पे इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो इसका शॉर्टकट आपको जरूर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट ट्रिक की, जो मैंने बोला था कि अगर आपको खुद से कोई शॉर्टकट बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे। तो देखो उसके लिए आपको करना क्या, कल तो मैं इसे पहले की तरह नॉर्मल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे फिल्टरेशन हटा दिया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे किस चीज का शॉर्टकट चाहिए, पहले हम देखते हैं कि मुझे करना क्या है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी पड़ रही है बार बार, मतलब यहाँ पे मुझे इसकी पिक्चर लगानी है, राजेश का फोटो लगाना है, फिर मुन्ना का, फिर महेश का, और तरीका सिंपल यही है कि मुझे बार बार यहाँ पे इंसर्ट में जाना पड़ेगा, फिर पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे लगानी पड़ेगी। आपको इसका शॉर्टकट चाहिए तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप ऑल्ट की प्रेस करोगे तो इस तरीके से ऊपर में सबके ऊपर एक एक लेटर आ रहा होगा, इस लेटर से आप उस ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया ऑप्शन आया, फिर यहाँ पे मैंने एन प्रेस किया तो इंसर्ट खुल गया। अब इंसर्ट खुलने के बाद यहाँ ये बोल रहा है पिक्चर्स के लिए पी प्रेस करो, तो मैंने यहाँ पी प्रेस किया, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे मेरे पास सीधा पिक्चर वाला ऑप्शन खुल गया। अब देखो शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट एन पी, शॉर्टकट क्या है ऑल्ट एन पी, तो मैं ऑल्ट की को होल्ड करके एन और पी प्रेस करूंगा, एक ही बार में पिक्चर खुल जाएगा, तो मुझे माउस से बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ रही।
इसी तरीके से अगर किसी ऑप्शन का बार बार यूज कर रहे हो तो उसका एक फॉर्मेट देख लो, जैसे स्लाइसर है तो मैंने क्या यहाँ पे ऑल्ट फिर मैंने प्रेस किया एन, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ स्लाइसर के लिए एस एफ, तो मैं एस एफ प्रेस करूंगा तो यहाँ पे स्लाइसर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको किसी का भी शॉर्टकट बनाना है तो आप ऑल्ट की को होल्ड करो, ऑप्शंस को देखो और उसके बाद उसे याद कर लो और उसका शॉर्टकट बड़ी आसानी से बन जाएगा। आई होप कि गाइस जितने भी शॉर्टकट्स मैंने आपको शो किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और ये सभी शॉर्टकट्स कितने इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये जितने भी शॉर्टकट्स है वो डेली बेसिस पे जो आपका काम होने वाला है ना उसको आसान बनाने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।